दोस्तों आई नो इस वीडियो के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को इंतजार रहता है बिकॉज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे डॉग्स देखने को मिलेंगे और सभी डॉग्स का प्राइस पहले से कम हुआ मिलता है। तो इस वीडियो के थ्रू वो लोग भी डॉग्स आसानी से परचेज कर पाते हैं जिनका बजट काफी कम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक वन ऑफ दी फेमस एंड अपनी इंडियन डॉग ब्रीड के साथ जो है पोमरेनियन। तो फ्रेंड्स ये जो पोमरेनियन पपीज हैं ये एकदम प्योर एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हैं। इनकी क्वालिटी में आप लोगों को कोई सिंगल कंप्लेंट भी नहीं आएगी। तो अगर आप लोग बहुत ही क्यूट डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं तो भाई ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसमें आप लोगों को ज्यादा पैसे स्पेंड भी नहीं करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इन पपीज को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पोमरेनियन 35 डेज के हो चुके हैं एंड उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की किया है 8,500 रुपीज 8,500 रुपए एंड फीमेल की किया है 7,500 रुपीज यानी 7,500 रुपए एंड प्राइस में आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है बट ज्यादा डिस्काउंट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और फ्रेंड्स इन्हीं ओनर्स के पास आप लोगों को कुछ और डॉग्स ब्रीड भी मिल जाएंगी जैसे कि बीगल एंड लेब्राडोर। तो फ्रेंड्स ये जो बीगल पपीज हैं ये एकदम प्योर एंड प्रॉपर मार्किंग में है एंड इन ओनर के जो पपीज हैं इनका प्राइस आप लोगों को दूसरे ब्रीड से काफी रीजनेबल देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओनर एकदम ट्रस्टेड है और इनकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ और पपीज पे भी आप लोगों को पूरे लाइफ टाइम की गारंटी मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है एडवांस पेमेंट देने में तो आप लोग इन पपीज की डील मेरे थ्रू भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये बीगल पपीज 36 डेज के हो चुके हैं एंड उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 21,000 पीस 21,000 रुपए एंड फीमेल की है 15,000 पीस यानी 15,000 रुपए एंड इसके प्राइस में आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है वो लेब्राडोर पपीज जो कि आप लोगों को इन्हीं ओनर्स के पास मिल जाएंगे और वो भी दोनों ही कलर्स में ब्लैक एंड गोल्डन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग लेब्राडोर पपीज परचेज कर रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो ये जो लेब्राडोर पपीज हैं ये 38 डेज के हो चुके हैं और इन सभी की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से एंड ओनर आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 13,000 पीस 13,000 रुपए एंड फीमेल की है 9,000 पीस यानी सिर्फ 9,000 रुपए। दोस्तों प्राइस काफी जेन्युइन है, शायद इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं जर्मन शेफर्ड पपीज के बारे में और ये पपीज आप लोगों को बिल्कुल कम प्राइस में मिल जाएंगे जो कि काफी लोग डिमांड करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक रीपोस्टिंग की वीडियो है और इनमें आप लोगों को कम से कम प्राइस में पपीज मिल जाएंगे तो अगर आप लोगों का ज्यादा बजट नहीं है तो आप लोग इन जर्मन शेफर्ड को परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो जर्मन शेफर्ड पपीज हैं ये सिर्फ फीमेल ही अवेलेबल हैं एंड उन्होंने मुझे बताया कि ये डबल कोट में है लेकिन जब भी आप लोग इन्हें परचेज करो तो उससे पहले इनके मदर फादर के बारे में और इनके कोट के बारे में अच्छे से कंफर्म जरूर कर लें। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इन पपीज का प्राइस देखोगे तो उसके हिसाब से पपीज की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो फ्रेंड्स ये जो जर्मन शेफर्ड पपीज हैं ये 55 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। लेकिन दोस्तों डिलीवरी का मुझे कंफर्म नहीं है कि ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, बट फिर भी आप लोगों को डायरेक्ट ओनर के पास विजिट करके ही इन्हें परचेज करना चाहिए। सो गाइस अगर फाइनली इनके प्राइस के बारे में बात करें तो जर्मन शेफर्ड सिर्फ फीमेल ही अवेलेबल है और उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है जस्ट 5,000 पीस यानी सिर्फ 5,000 रुपए। बाकी उन्होंने ये प्राइस भी फिक्स मेंशन नहीं किया है तो आप लोग इसमें भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड वंस अगेन बात करते हैं हमारी एक इंडियन डॉग ब्रीड के बारे में जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डॉग ब्रीड में से एक है जो है बुल्ली कुत्ता। सो फ्रेंड्स ये बुल्ली कुत्ता पपी सिर्फ फीमेल ही अवेलेबल है और इनकी जो मदर है ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। और फ्रेंड्स इनका प्राइस अब इतना कम हो चुका है कि आप में से हर कोई इन्हें अफोर्ड कर सकता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि पपीज काफी फेमस ब्लड लाइन से हैं। इनके जो फादर हैं वो शेरू ब्लड लाइन से हैं और जो मदर है वो है टाइगर ब्लड लाइन से। वैसे गाइस इतना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसी क्वालिटी के पपीज और इस प्राइस में आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप लोग एक लार्जेस्ट डॉग ब्रीड को अंडर 10,000 पीस में परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग एकदम परफेक्ट वीडियो को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स पपीज की जो एज है आज ये 32 डेज के हो चुके हैं और ये सिर्फ फीमेल ही अवेलेबल है तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो किया जस्ट 8,000 पीस यानी सिर्फ 8,000 रुपए। तो इन पपीज के प्राइस में पहले से 4,000 रुपए कम हो चुके हैं। और अगर बात करें इन पपीज की मदर के बारे में तो ये भी सेल के लिए अवेलेबल है और ये टाइगर ब्लड लाइन से है
एंड अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो ये 30+ इंचेस है, जो कि काफी अच्छी हाइट है। तो फ्रेंड्स, इस फीमेल ने सिर्फ एक ही बार पपीज को जन्म दिया है, जो कि लीटर आप लोग देख ही रहे हैं, और इसका लीटर 7 पपीज का था। तो फीमेल की सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो फीमेल की जो एज है ये 20 मंथ्स की हो चुकी है, और इनकी जो लोकेशन है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। तो फ्रेंड्स, मेरठ के अंदर आप लोगों को इन पपीज पर और इस एडल्ट फीमेल पर डिलीवरी भी मिल जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। तो फाइनली अगर इसके भी प्राइस के बारे में बात करें तो गाइस, फीमेल बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, एंड उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है जस्ट 14,000 रुपीज, यानी सिर्फ 14,000 रुपए। तो इस फीमेल का प्राइस भी पहले से 6,000 रुपए कम हो चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इस प्राइस में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलने की पूरी उम्मीद है, तो आप लोग डॉग ओनर से बारगेनिंग जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वंस अगेन बात करते हैं जर्मन शेफर्ड के बारे में। लेकिन ये जर्मन शेफर्ड आप लोगों को काफी रेयर कलर में देखने को मिलेंगे, जो है प्योर व्हाइट एंड प्योर ब्लैक। तो फ्रेंड्स, ये है वो वीडियो जिसमें आप लोगों को इन पपीज का प्राइस 15,000 रुपए तक कम देखने को मिलेगा। जी हां गाइस, सही सुना आप लोगों ने, अब आप लोग इन पपीज को काफी रीजनेबल प्राइस में परचेज कर सकते हैं। ओनर के पास दोनों ही कलर्स अवेलेबल हैं, और इनमें आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे। वैसे फ्रेंड्स, इतने कम प्राइस में आप लोगों को ये कलर्स मिल रहे हैं, वो भी जर्मन शेफर्ड में, जो कि काफी बड़ी बात है। वैसे व्हाइट के अलावा मैं आप लोगों को ब्लैक कलर के जर्मन शेफर्ड भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है वो ब्लैक कलर के जर्मन शेफर्ड, और मदर भी आप लोग साथ में देख ही रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। बाकी फादर की क्वालिटी के लिए आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके उनसे पर्सनली फोटो वीडियोस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में आप लोगों को ऐसी क्वालिटी के जर्मन शेफर्ड और वो भी इन दोनों कलर्स में आप लोगों को और कहीं देखने को मिलेंगे। वैसे आप लोग चाहे व्हाइट को परचेज करो या फिर ब्लैक को, प्राइस इन दोनों का सेम है। तो फ्रेंड्स, अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 50 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है फरीदाबाद हरियाणा से। एंड दोस्तों, ओनर आप लोगों को इन पपीज पर डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर इनके पहले प्राइस के बारे में बात करें तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की थी वो मेल की थी 35,000 रुपीज, 35,000 रुपए, एंड फीमेल की थी 30,000 रुपीज, यानी 30,000 रुपए। लेकिन भाई, अब इन पपीज का प्राइस पूरा आधा कम हो चुका है, तो उन्हें जो अब इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए, तो पहले से 15,000 रुपए कम हो चुका है, और फीमेल की जो की है वो क्या है 15,000 रुपीज, यानी 15,000 रुपए। तो गाइस, आई होप ये प्राइस आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, और आप में से काफी लोगों ने डिसाइड भी कर लिया होगा इन्हें परचेज करने के लिए। बाकी इस प्राइस में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड के बारे में, जो है फ्रेंच बुलडॉग। एंड दोस्तों, मोस्टली आप लोगों को काफी एक्सपेंसिव प्राइस में देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारी इस वीडियो के थ्रू आप लोग इसे काफी अफोर्डेबल प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंच बुलडॉग है ये एक फीमेल है और ब्रिंडल कलर में है। तो फ्रेंड्स, फ्रेंच बुलडॉग स्मॉल साइज के होने के साथ साथ काफी एक्टिव भी होते हैं। वैसे आप लोग इन्हें किसी भी साइज के फ्लैट्स या घरों में आसानी से रख सकते हैं। पपी की क्वालिटी काफी अच्छी है, और इसके मदर फादर की क्वालिटी देखने के लिए आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके उनसे पर्सनली फोटो वीडियोस ले सकते हैं। फ्रेंच बुलडॉग का मेंटेनेंस खर्च काफी कम होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को इन डॉग्स के ऊपर ज्यादा पैसे भी स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे। आप लोग काफी कम बजट में इन्हें मेंटेन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 30-35 हज़ार रुपए एक फ्रेंच बुलडॉग के लिए नहीं दे सकते तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, अगर इस पपी की एज के बारे में बात करें तो ये 54 डेज की हो चुकी है, और इसकी जो लोकेशन है वो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। एंड डिलीवरी ऑप्शन भी इस पपी पे आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस फ्रेंच बुलडॉग को परचेज करना चाहते हैं तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो क्या है जस्ट 20,000 रुपीज, यानी सिर्फ 20,000 रुपए। एंड इस प्राइस में भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अमेरिकन बुली पपीज के बारे में। एंड गाइस, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकन बुली पपीज आप लोगों को अंडर 10,000 रुपीज में मिल जाएंगे। सो यू नो गाइस, अमेरिकन बुलीज में आप लोगों को काफी सारे साइजेस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर इन पपीज के साइज के बारे में बात करें तो ये एक्सल साइज के हैं। लेकिन ओनर के पास सिर्फ ये दो ही पपीज अवेलेबल हैं, और दोनों ही फीमेल हैं। सो फ्रेंड्स, अमेरिकन बुली काफी पावरफुल एंड मस्कुलर होते हैं, एंड इसके बावजूद भी इस ब्रीड को काफी अच्छा फैमिली डॉग ब्रीड माना जाता है। वैसे गाइस, इन पपीज के जो मदर फादर हैं उनकी फोटो वीडियोस ओनर के पास अवेलेबल हैं, तो पर्सनली कॉन्टेक्ट करके आप लोग वो फोटो वीडियोस ले सकते हैं।
वैसे दोस्तों अमेरिकन बुली थोड़ी एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को काफी कम प्राइस में मिल जाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए एक काफी तगड़ा ऑफर है। तो दोस्तों ये जो अमेरिकन बुली पपीज हैं, ये 53 डेज की हो चुकी हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है अम्बाला कैंट हरियाणा से। एंड डिलीवरी की बात करें तो ओनर आप लोगों को अप टू 200 किलोमीटर तक डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। और फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो गाइस ये अमेरिकन बुली पपीज एक्सेल साइज में है, एंड ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है जस्ट 8000 पीस, यानी सिर्फ 8000 रुपए। एंड ये प्राइस भी फिक्स नहीं है, तो आप लोग बारगेनिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली बात करते हैं हमारी वीडियो के लास्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जो है जर्मन शेफर्ड। और इन पपीज में आप लोगों को लॉन्ग एंड मीडियम दोनों ही कोट में पपीज मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर पपीज की क्वालिटी के बारे में बात करें तो पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में है, और इनके पेरेंट्स की फोटो वीडियोस ओनर आप लोगों को पर्सनली प्रोवाइड करा देंगे। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने जितनी भी डॉग्स ब्रीड डाली हैं, इन सभी के ओनर्स के कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो प्लीज आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करने से पहले इस चीज को जरूर चेकआउट कर लें कि आप लोग कौन से ब्रीड के ओनर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो जर्मन शेफर्ड पपीज हैं, ये सिर्फ आप लोगों को मेल ही मिल पाएंगे, फीमेल ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग एक डिसेंट से प्राइस में एक इंटेलिजेंट एंड एक बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को इन पपीज की भी बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ, आई मीन इनकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो आज ये 45 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। और फ्रेंड्स ओनर आप लोगों को अप टू 100 किलोमीटर तक इन पपीज पर डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। तो फ्रेंड्स फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो लॉन्ग कोट की है 13,500 पीस, 13,500 रुपए, एंड मीडियम कोट की है 12,000 पीस, यानी 12,000 रुपए। और फ्रेंड्स इस प्राइस में भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस ये तक थी हमारी आज के रिपोस्टिंग की वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।